राजस्थान में नई सरकार किसकी बनेगी, इसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान विधानसभा के चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान के बाद प्रदेश की जनता बेसब्री से एग्जिट पोल का इंतजार कर रही थी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। अब एग्जिट पोल जारी होने के साथ ही लोगों का यह इंतजार भी खत्म हो गया है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल की तस्वीर आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि इस एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है। सबसे पहले अलग अलग क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार मारवाड़ में भाजपा को 28 से 32 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 23 से 27 सीटें और अन्य के खाते में 4 से 6 सीटें जा रही हैं। तो वहीं मेवाड़ की बात करें तो भाजपा 23 से 27 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 11 से 15 सीटें जीत रही है और अन्य के खाते में 4 से 6 सीटें। इसके बाद हड़ौती की बात करें तो भाजपा 11 से 15 सीटों पर बाजी मारती दिखाई गई है, वहीं कांग्रेस 2 से 6 सीटों पर और अन्य के खाते में यहां 0 सीटें आ रही है। शेखावाटी की बात करें तो भाजपा 7 से 11 सीटें, कांग्रेस 9 से 13 सीटें और अन्य 0 से 2 सीटें लेते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ढूंढार क्षेत्र की बात करें तो भाजपा 25 से 29 सीटें, कांग्रेस 26 से 30 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जाते हुए दिखाई गई है। इसके साथ ही अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा 94 से 114 सीटों के साथ पहले नंबर पर आ रही है, कांग्रेस 71 से 91 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर और अन्य के खाते में 9 से 19 सीटें आने वाली है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के हिसाब से राजस्थान में भाजपा कांग्रेस को मात देते हुए सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। राजस्थान तक पर आप अब तक कई चैनल और एजेंसीज के एग्जिट पोल देख चुके हैं, लिहाजा कमेंट करके जरूर बताएं कि किसका एग्जिट पोल आपको सटीक लगा और क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।